दोस्तों अभी हम राजगीर के सफर पे हैं और सिलाव के ये नज़ारे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं सिलाव और सिलाव के नज़ारे हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नज़ारे हैं सिलाव के। सिलाव का खाजा काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी के समय में GI टैग भी मिल चुका है इन कलीसा जो आपको दिखा रहे हैं। इस दुकान को काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। काफ़ी व्यवस्थित तरीके से ये खाजा बनाते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से खाजा बनाते हैं, काफ़ी टेस्टी बनाते हैं। तो यहाँ आने के बाद हमने खाजे भी खाए जो कि काफ़ी टेस्टी थी। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंटरव्यू लोग लेने के लिए भी आते हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं और इनका इंटरव्यू भी लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और आंसर ये हमारे भाई साहब कर रहे हैं, इनकी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों कालीसाह के खाजे की एक अलग पहचान है। यहाँ पे मीडिया कर्मी से लेकर एक्टर एक्ट्रेस काफी लोग आते हैं और कालीसाह के खाजे का आनंद लेते हैं क्योंकि इनका खाजा काफी टेस्टी और सॉफ्ट होता है। तो दोस्तों ये खाजे की डिलीवरी भी करते हैं, यानी अलग अलग भागों में खाजे को भेजते भी हैं। पटना से लेकर यानी बिहार से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में इनकी डिलीवरी होती है, विदेशों तक जाती है। तो यहाँ पे ऑनलाइन ये सेंड भी करते हैं, यानी खाजे को भेजते भी हैं, ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं। जिनको ज़रूरत होता है वे यहाँ से खाजे को मंगवा सकते हैं। कालीसाह का अपना ऐप भी है और ऐप पे जाकर इनसे डिलीवरी ले सकते हैं और इनसे खाजे मंगवा भी सकते हैं। कहा जाता है कि बिजनेस विचार और व्यवहार से चलता है, ये विचार और व्यवहार का समागम साफ साफ दिखेगा। तो दोस्तों ये सिलाव का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा बताएं, और अगर आपको डिमांड हो तो ऐप पे जाके इनके ऐप पे जाकर डिलीवरी ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा भी सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा बताइए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।